नगर के प्रवेश द्वारा पंथा चौक में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस के जवानों को लेकर जा रही बस पर हुए आतंकी हमले में घायल 13 जवानों में से एक और जवान आज सुबह बलिदान हो गया है। इसके साथ ही आतंकी हमले में बलिदान होने वाले जवानों की संख्या 3 हो गई है। 12 घायल जवानों का इलाज अभी भी जारी है। जब कैंप के नजदीक पहुंचा था, कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए, 2 हॉस्पिटल में मार्टिरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टिरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया, जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफ़ी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफ़ी दूर तक देखा गया है। ये खरू से पांपड़ और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया, उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया, एक भी वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया, और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। 3 टेररिस्ट में 2 फॉरनर था, एक लोकल था। सर, इनपुट्स के बाद भी ऐसा हमला देखा गया? देखिए कि हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी, तब तक आरपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था, और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी कराएंगे, आरोपी को एक्सटेंड करेंगे, और हम लोग कुछ उसमें बीपी व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। क्या आपको लगता है ये अटैक जो है प्लान था, क्योंकि जो बस जो है उस टाइम पे आ रही थी और